प्रधानमंत्री आवास योजना सरकार का एक ऐसा कदम जिसने ना जाने कितने गरीबों के सिर पर पक्की छत दी और उनके जीवन में खुशियां भरने का काम किया। यूं तो ये योजना पूरे देश में लागू है, लेकिन इसे सही मायनों में कहीं जमीन पर उतारा गया है तो वो है मध्य प्रदेश का देवास जिला, जहां नगर निगम ने प्रधानमंत्री के सपने को हकीकत में साकार करके दिखाया है। तो आइए आपको दिखाते हैं देवास में किस तरह प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए गरीबों की तकदीर बदलने का काम किया गया है। ये नजारा है देवास जिले का, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत विकास की एक नई इबारत लिखी जा रही है। जी हां, इन दिनों यहां गरीबों के आशियाने बनाने का काम पूरी शिद्दत से हो रहा है। जिन गरीबों की उम्र पक्के मकान का ख्वाब देखते झुग्गी झोपड़ियों में कट गई, आज उनका वो सपना सच हुआ है। जी, मैं पहले किराए से रहती थी, करीबन 7-8 साल रह चुकी हूँ मैं किराए से। मेरे पास मकान नहीं था। उसके बाद ये सरकार की योजना निकली, इसमें सभी को गरीबों को जैसे मकान देने का योजना था, तो उसमें मैंने भी फार्म भरा था। फिर लॉटरी के सिस्टम से मुझे ये मकान मिला है। मैं मकान पाके मैं बहुत खुश हुई हूँ, क्योंकि मेरे पास मकान नहीं था और अपने कम से कम अपना छत मिला है मुझे, मैं इसलिए बहुत खुशी हुई मुझे। हमारा कच्चा था मकान, प्लाट था, पहले कच्चा था, पक्का बना, अच्छा बढ़िया बन गया है। सब खुश है, परिवार भी खुश है अपना, और बहुत बढ़िया बना है इनने। सरकार की तरफ से पैसे मिले, उसी से अच्छा बना है मकान। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देवास जिले में 3 अलग अलग इलाकों में कुल 1212 मकान बनाए जा रहे हैं। राजीव नगर में 64, बलगर के शहीद भगत सिंह नगर में 260 और मेंढकी बीरखेड़ी के शहीद चंद्रशेखर आजाद नगर में 888 मकानों का निर्माण किया जा रहा है, जो एक मिसाल है। प्रधानमंत्री आवास योजना का एक अन्य BLC योजना है, बेनिफिशरी योजना है, उसमें करीब 816 लोगों को हमने 2.5 लाख रुपए की राशि से काम चल रहे हैं मकानों के, 800 मकानों पे। अभी 1200 मकानों का और सर्वे चल रहा है BLC योजना में, जिनको हम प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने का काम 1200 लोगों को और करेंगे। ये किसी के भी सर पे छत देना, मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा काम कुछ नहीं हो सकता है एक गरीब व्यक्ति के लिए। हम ऐसा सोचिए ना कि वो गरीब ही क्यों हो, कोई एक अच्छा व्यक्ति भी हो, अगर उसको अपना खुद का घर मिल जाए तो उसको कितनी प्रसन्नता का होती है। तो ये तो एक कम आय वर्ग वाला, जिसको मुझे बोलना चाहिए कि लोग हैं, अगर हम उन लोगों को देते हैं तो निश्चित रूप से ये बहुत ही एक अच्छा अनुभव होता है। और ये वास्तव में बताता है कि किस प्रकार से शासन की योजनाएं अगर सही तरह से क्रियान्वित की जाए तो गरीबों को उसका लाभ बहुत हद तक मिलता है। योजनाओं को कागज से उतारकर धरातल पर लाकर उसे सफल बनाने का काम जिस खूबी से नगर निगम देवास में किया जा रहा है, उसने प्रधानमंत्री आवास योजना को नए आयाम दे दिए हैं। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने अपने संपूर्ण नगरीय क्षेत्र को हाउस फॉर गारंटी स्कीम के तहत शामिल किया है। 2 लाख मकान हमारे मध्य प्रदेश के अंदर निर्माणाधीन हैं और 2022 तक हम 10 लाख मकान बनाने का हमारा लक्ष्य है, जिसकी हम पूर्ति समय सीमा में करेंगे। तो देखा आपने कि किस तरह देवास नगर निगम के प्रयासों ने मायूस चेहरों पर खुशी की चमक ला दी है। आज ये तमाम हितग्राही मकानों के मालिक हैं, जहां खुशहाली के चबूतरे पर ये अपने सुखद भविष्य का ताना बाना बुनेंगे और उनका ये आशियाना उनके सपनों के महल की तामीर को मुकम्मल बनाएगा।